हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स की। तो समझिए कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं और उनमें नॉन कोऑर्डिनेट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं उनसे क्या डिफरेंस होता है। इससे पिछली वीडियोज में हमने सभी नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ लिया और उनकी डिटेल स्टडी सभी की कर ली है। अब अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उनका जनरल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। चार मेन कैरेक्टर्स हैं इनके। पहला, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यानी डॉर्सल पीठ की तरफ, हॉलो मींस खोखली, नर्व कॉर्ड मींस तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका तंत्र की जो स्ट्रक्चर होता है नर्व कॉर्ड, पहला इसका सबसे मेन कैरेक्टर है। पीठ की तरफ खोखला नर्व कॉर्ड पाया जाता है जो तंत्रिका तंत्र सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा ब्रेन और पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये नर्व कॉर्ड का ही रूप है। दूसरा, इसके बीच में होती है नोटोकॉर्ड, या नोटोकॉर्ड या वर्टिबल कॉलम, इन दोनों में से एक। हम भी जब एम्ब्रियो स्टेज में थे, बहुत छोटे थे पेट में गर्भ में, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर था हमारा कुछ ना कुछ। तो पहले नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना और बाद में ही रीढ़ की हड्डी बनी उससे डेवलप। लेकिन कई जीवों का जीवन भर यही रहता है रॉड शेप्ड नोटोकॉर्ड। तो ये दूसरा कैरेक्टर है कि उनमें नोटोकॉर्ड या वर्टेबल कॉलम पाया जाता है। तीसरा मेन कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का गिल स्लिट्स। तो फेरिंग्स के पास इनके गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, गलफड़े। अब आप कहेंगे हमारे तो नहीं होते भाई, हम भी तो कॉर्डेट्स हैं, या बंदरों के, घोड़े, खच्चर, गधे के तो नहीं होते। होते हैं, उनके लार्वल स्टेजेस में होते हैं, लार्वल तो नहीं कहेंगे उन्हें, एम्ब्रियो स्टेज कहेंगे, जब वो भ्रूण अवस्था में होते हैं पेट में, तो तब उनके छोटे छोटे गिल स्लिट्स होते हैं। और आप हैरान रह जाएंगे, कई बार बच्चे ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जिनके ये कान के नीचे यहाँ फेरिंग्स के आसपास गलफड़े होते हैं, छिद्र होते हैं, जैसे कि मछलियों में होते उस टाइप से। तो ये जो गिल स्लिट्स हैं ये हमारे जनरल कैरेक्टर हैं कॉर्डेट्स। और चौथा कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल, यानी पोस्ट मतलब बाद में, एनस मींस जहां से गुदा द्वार, जहां से एक्सक्रीशन तो नहीं है, इजेशन होता है, डिफेसिंग होती है, पॉटी बाहर निकलती है, और उसके बाद होती है टेल, यानी एनस के बाद टेल होगी, एनस से पहले टेल नहीं होगी। कई इनवर्टिब्रेट्स में एनस से पहले भी टेल देखी जाती है लेकिन इसमें नहीं होती। तो ये चार मेन कैरेक्टर हैं किसी भी कॉर्डेट के, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल पार्ट। एनिमल किंगडम में पहले भी मैंने बता दिया है ये कि दो पार्ट में डिवाइडेड है एनिमल किंगडम, इनवर्टिब्रेट्स जिन्हें नॉन कॉर्डेट भी कहते हैं और वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिबल कॉलम या नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इनमें वर्टिबल कॉलम और नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। इनमें कुछ सेल्युलर लेवल के होते हैं जिनकी बॉडी सेल्स से ही बनी रहती है, ओनली सेल्युलर स्ट्रक्चर है, जैसे पोरीफेरा सेल के एग्रीगेट हैं, वो बहुत सारे सेल्स एक साथ रहते हैं। टिश्यू लेवल के जैसे नीडेरिया, उनके सेल्स टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलर सेल्स परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। इसके बाद ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल के उसके अगले हैं एसिलोमेट, जिनमें सिलोम नहीं होता, जैसे प्लेटी हेलमेंथी और नीमेटोडा, बॉडी कैविटी निभाई जाती, और सिलोमेट जिनमें एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा आते हैं, जिनकी डिटेल वीडियो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं डिटेल इनकी जानकारियों। इसके बाद आती है बारी वर्टिब्रेट्स की, यानी कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट्स में पहला होता है साइक्लोस्टोमेटा और एग्नेथा। साइक्लोस्टोमेटा में राउंडेड माउथ वाले आते हैं, गोल मुंह वाले, और एग्नेथा में जॉ वाले, जबड़े वाले। और जो जॉ वाले होते हैं उसमें पिस्सीज और टेट्रापोडा होते हैं। पिस्सीज में मछलियां आती हैं, कॉन्टेक्टीज यानी कार्टिलेज वाली फिश, और ऑस्टिक्टीज यानी बोनी फिश है जिनमें बोन पाई जाती है। और जो टेट्रापोडा होते हैं, यानी टेट्रा मीन चार, पोडा मीन पैर वाले, चार पैर वाले जीव, चौपाई जीव जिनमें हम भी शामिल हैं, उनमें चार क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमिलिया। एम्फीबिया में उभयचर आते हैं, जल और स्थल दोनों में पाए जाने वाले जैसे मेंढक। रेप्टिलिया में रेंगने वाले जीव आते हैं जिनकी बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं जैसे सांप। एवीज में उड़ने वाले जीव आते हैं जिनके पंख भी होते हैं, बॉडी में फेदर्स पाए जाते हैं जैसे पक्षी।
और मैमिलिया में ऐसी जीव आते हैं जो अपने बच्चों को दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध पिलाते हैं, मैमरी ग्लैंड से, जैसे हम, मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड हमारे पाए जाते हैं महिलाओं, पाए पुरुषों में भी जाते हैं लेकिन पुरुषों में किसी काम के नहीं रहते हैं वो, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे हॉर्मोन्स नहीं है कि हम मिल्क सीक्रेशन कर सकें। और फीमेल्स बच्चा देने के बाद, बच्चा पैदा करने के कुछ दिन बाद मिल्क सीक्रेशन करने लगती है, इसलिए हमें मैमल्स बोलते हैं। तो ये है एक जनरल कैरेटिक्स, जनरल कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का। एक टेबल्स है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, हम समझ सकते हैं कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या अंतर है। यहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कॉर्डेट में, लेकिन नोटोकॉर्ड एब्सेंट है नॉन कॉर्डेट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, यानी पीठ की तरफ पाया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो हॉलो होता है और सिंगल होता है, एक ही होता है और वो खोखला होता है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल, आगे की तरफ पाया जाता है, छाती की तरफ, वो सॉलिड होता है और डबल होता है, सिंगल नहीं होता, एकदम उल्टा। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होते हैं कॉर्डेट्स में, लेकिन यहां नहीं होता है नॉन कॉर्डेट्स। वेंट्रल हार्ट होता है आगे की तरफ, छाती की तरफ, लेकिन नॉन कॉर्डेट में पीठ की तरफ होता है हार्ट, अगर प्रेजेंट है तब, अधिकतर में नहीं भी प्रेजेंट रहता है। पोस्ट एनल पार्ट यानी टेल इज प्रेजेंट, टेल यानी पूंछ एनस के बाद होती है, लेकिन यहां पोस्ट एनल टेल होती नहीं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की। तो आज की इस वीडियो में हमने देखे डिफरेंट टाइप के जो क्लासेस हैं, फाइलम्स हैं, क्लासिफिकेशन हमने देखा इसका मतलब, और कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में हमने डिफरेंस भी देखा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेंटर। बाय बाय।